प्राइमे के न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। कैथर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा द्वारा इनेलो लोकसभा के 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा द्वारा इनेलो के लोकसभा के 3 उम्मीदवारों की घोषणा में और घोषणा होते ही इनेलो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और इनेलो कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की और इनेलो जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद और चौधरी देवीलाल जिंदाबाद के नारे लगाए और चुनाव कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी और हम पार्टी के हर कार्यकर्ता जन जन तक उनकी जो भी प्रोटोकॉल है लगभग सभी को पता है पहुंचाने की आवाज़ बुलंद करेंगे और जो भी हमसे युवा साथी किसी कारणवश रूठ गए हैं तो उनको मनाने का पूरा प्रयास करेंगे और तन मन धन से हम चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला को रण में उतार के लगभग 1.5 लाख मतों से विजय बनाने का प्रयास करेंगे। दिन रात मेहनत करेंगे और भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा साफ सभी का युवा नेता अर्जुन सिंह जी चौटाला 101% हम दावे के साथ कहते हैं कि लगभग रण में विजय हासिल करके और अपने संसद में युवा की आवाज़ को बुलंद करेंगे। नेशनल लोक दल ने कुरुक्षेत्र से अर्जुन चौटाला को टिकट दिया है। लोगों में भारी उत्साह है और भारी मतों से जीतेगा और जिस भी व्यक्ति के पास गांव में संपर्क किया सभी ने कहा कि इतना बढ़िया लोकदल ने कैंडिडेट दिया, इससे बढ़िया किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं और भारी मतों से अर्जुन चौटाला चुनाव जीतेंगे। अर्जुन सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी उतारा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिशा निर्देशक पर 10 लोकसभा में जो प्रत्याशी उतारे हैं वो एक जमीन से जुड़े हुए हैं। जैसे सुरेश कोथ जी ने आंदोलन किए हैं, बहुत लाठियां खाई हैं, आज भी उन पे लोगों के चाहे वो मारुति का मामला हो चाहे जमीन का मामला हो आज भी मुकदमे दर्ज हैं। अब करनाल में लाठीचार्ज हुआ था उसमें भी अर्जुन चौटाला जी हरियाणा के युवाओं की आवाज़ बनकर बुलंद किया है। अब यह आवाज़ हरियाणा में थी, अब यह आवाज़ दिल्ली में लोकसभा में गूंजेगी। किसान का बेटा है, चौधरी देवीलाल का पड़पोता है और उनका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोता है और लोगों की दर्द समझता है और ये ऐसा युवा जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से उतरा है ये बहुत ही 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से विजय हासिल करेगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।